वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मोनिका, आप देख रहे हैं राव फैमिली ब्लॉग। एंड आज का जो ब्लॉग है बहुत ही ज़्यादा मस्त होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं पार्क, वो छोटा वाला पार्क नहीं, आज हम बड़े वाले पार्क में जा रहे हैं, चिंटू पार्क पे। तो वीडियो में बने रहिए एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो अभी हम जा रहे हैं पार्क, और पार्क हमारे घर से काफ़ी दूर है, और थोड़ा सा लेट भी हो गया था मैं घर में, इस वजह से जो है हमने जाते टाइम रिक्शा कर लिया था, हमने सोचा जल्दी पहुंच जाएंगे। तो चलिए अभी हम बस पहुंचने ही वाले हैं, सीधे मिलते हैं आपसे पार्क में। ओ ऐला करो, बाय करो, बाय करो मम्मी को, बाय करो, बाय करो, बाय करो मम्मी के लिए चीज होला जा। मम्मी मैंने टायर पकड़ी रखे, हालम नहीं आना। तो हाँ इधर वाला, इधर वाले में बैठ बैठ, चल दी के लिए मम्मी। और अभी जो है हम आ गए हैं पार्क में, और जैसे पार्क में आए ना, इधर झूले खाली हो रखे थे, तो हमने सोचा पहले झूला झूल लेते हैं। नेहा साथ में, मेरे साथ दीदी हैं, जिस दिन मुझे वैक्सीन लगी थी उस दिन हम इन्हीं के घर पे रुके हुए थे, और ये भी आए हुए हैं, इनके बच्चे आए हुए हैं दोनों, और भैया, तो ये भी सब आए हुए हैं, और हम तीनों, तो बस हम ही आए थे सब पार्क में, क्योंकि साथ में थोड़ा सा अच्छा लगता है पार्क में। वैसे भी दूर था तो हम सोचा सब साथ में जाएंगे तो फिर अच्छा भी लगेगा, थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा सबका। और अभी जो है मैंने सोचा अभी को भी थोड़ा सा झुला लेती हूँ इसमें, तो वो तो मतलब डरे जा रही थी, उसके हाथ दोनों ऐसे इतने टाइट करके थे ना, बहुत ज़्यादा डर रही थी। बाय आना जो वो, हाय 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 हाय, चलो बलून। एंड अभी जो है आप तो सोच रहे होंगे झूला वूला तो पहले ही झूल लिया, और अब ये कहाँ जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं पार्क में, अब जा रहे हैं हम जो अंकल जी थे ऑटो वाले, उन्होंने क्या किया हमें बैक साइड में उतार दिया पार्क के, तो वो पीछे वाली साइड थे, और वहाँ से आके मतलब जाने का रास्ता नहीं था, तो फिर से हम वहाँ से घूम के आए पैदल, और फिर अभी हम जा रहे हैं मेन पार्क में। और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, वो बैक साइड का था इसलिए वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी। अब यहाँ देखिए, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, और ये देखिए बच्चे तो भी पहले ही, उनको होता ही है ना बच्चों को, बच्चों का ही पार्क है तो बच्चे तो एंजॉय करेंगे ही। और देखो ऐसे भागे जा रहे हैं, वो आगे चले गए, शायद दिख रहे होंगे आपको दोनों, शिवा और गट्टा, गट्टा ऐसे प्यार से बोलते हैं, बाकी उसका जो रियल नेम है वो अलग है, अभी वो आगे देखने को मिलेंगे आपको। एंड अभी ये री, अभी तो क्या था, उसने तो कुछ नहीं किया वैसे अभी, क्योंकि इतनी छोटी सी है, वो क्या करेगी, बस गोद में, कभी किसी की गोद में, कभी किसी की गोद में घूमे जा रही। यू क्या हो रहा है, चलो तो अभी हम आ गए हैं पार्क के अंदर, और बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, झूला वूला झूल रहे हैं, और ये भी हमारी है। Thank you.
लेट इसलिए हो गया था क्योंकि एक तो आते टाइम जो है हम पैदल आए, क्योंकि रिक्शे ऑटो कुछ खाली आ ही नहीं रहे थे इस साइड को, सारे दूसरी साइड को ही जा रहे थे, इधर को आए नहीं कुछ खाली, तो फिर पैदल आना पड़ा वहाँ से। और हमने सब्जी फ्रूट्स वगैरह भी लिए हैं क्योंकि हम सोचा आए हुए इधर को, तो फिर रास्ते से सब्जी वगैरह भी लेके आते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया आने में। और काफ़ी इन्जॉय किया हमने पार्क में, बहुत बड़ा पार्क है वो, हम तो उतना घूमे भी नहीं उस पार्क में, और काफ़ी इन्जॉय किया हमने पार्क में, बहुत मज़ा आया क्योंकि बहुत टाइम बाद हम गए थे उस वाले पार्क में। मतलब मैं तो उस पार्क में जो है सेकंड टाइम गई थी, एक बार बहुत पहले गई थी, एक दो साल पहले, बीच में कोविड का ही चल रहा था तो नहीं गए, और अभी देखते हैं फिर दूसरी बार कब जाना होता है क्योंकि दूर बहुत है इधर से, मतलब ये कि डेली आ जा नहीं सकते हम वहाँ पैदल क्योंकि दूर है, बहुत दूर है। और एक जो है यहीं पास ही में है जो वहाँ इतना कुछ नहीं है, तो वहाँ तो हम डेली जा सकते हैं उस वाले पार्क में, बट वहाँ इतनी सारी चीज़ें नहीं हैं। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग का अभी मैं यहीं पे करती हूँ एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, मिलूँगा आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।